हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी लेक्चर ऑन कैपिटल बजटिंग एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व द पे बैक पीरियड एज वेल एज दी एन पी वी तो हमने ए आर आर का कंसेप्ट सीख लिया पे बैक पीरियड का कंसेप्ट सीख लिया अभी इसमें हम स्क्रैप वैल्यू के साथ एन पी वी डिस्काउंटिंग फैक्टर वो क्या क्या चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती है वो सीख लेंगे तो चलो आपके सामने एक क्वेश्चन है इसमें से मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूँ जो आपको प्रैक्टिस करना है ध्यान से और ये पी डी एफ नीचे अपलोड कर रहा हूँ वहाँ से आप डाउनलोड करके होमवर्क की प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है ए लिमिटेड कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ मशीन तो ए लिमिटेड के पास दो मशीन है अल्फा एंड बीटा आर अवेलेबल तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है टेन परसेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर से हम डिस्कस करेंगे ये बेसिकली क्या क्या दिया है तो दो मशीन है एक मशीन का कैलकुलेशन मैं करवाऊंगा एक मशीन का कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है अब ध्यान से देखो मशीन अल्फा टोटल ईयर दिए है एट ईयरस मशीन अल्फा के लिए ये सारे अमाउंट्स दिए है और नीचे मशीन अल्फा का कॉस्ट दिया है टू लैक्स एटी एट थाउजेंड मशीन बीटा के लिए ये सारे वैल्यूज दिए है और मशीन बीटा का यहाँ पे कॉस्ट दिया है थ्री लैख थर्टी थ्री थाउजेंड तो मशीन बीटा का मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा अल्फा का आपको प्रैक्टिस करना है प्रेजेंट वैल्यूज ये दस परसेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है आपको ये वैल्यूज दिए हैं मतलब दस परसेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर का जो रेट है के बेसिस पे फ्यूचर की वैल्यू कैस कितनी होगी वो बेसिस पे आज हम प्रेजेंट में ही फ्यूचर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे देखो ये टेन परसेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर्स की ये सारी वैल्यूज़ दी है अगर ये सारी वैल्यूज नहीं दी होगी तो भी आप कैलकुलेटर पर कर सकते हो देखो टेन है तो आपको करना क्या है सबसे पहले हंड्रेड को डिवाइड करना है टेन के साथ विल गेट दी आंसर जीरो उसमें आपको वन प्लस करना है तो आपको आंसर आ जाएगा 1.1 ठीक है फिर आपको कैलकुलेटर पे क्या करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करना है कैलकुलेटर पे आप कर सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 और इक्वल टू का साइन दबाओगे तो आंसर आ जाएगा 0.909 उसके बाद आप फिर से इक्वल टू दबाओगे तो आपको आंसर आ जाएगा 0.826 फिर से आप इक्वल टू दबाओगे तो जीरो फिर से इक्वल टू दबाओगे तो ये आएगा फिर से इक्वल टू जितने ईयर्स का चाहिए उतने ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर आप ढूंढ सकते हैं लेकिन अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर के रेट्स दिए हैं तो फिर ढूंढने की कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अगर बारह परसेंट दिया तो क्या करोगे हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेल्व जो भी आंसर आएगा उसमें वन प्लस कर दोगे और फिर डिवाइड क्या करोगे वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन टू तो आपको आ जाएगा वैल्यूज ठीक है इक्वल टू इक्वल टू दबाते रहना है और जितने बार आप इक्वल टू प्रेस करोगे उतने आपको वैल्यूज उसके मिलते जाएंगे ये प्रेजेंट वैल्यू का क्या काम है हम देखेंगे आगे तो सबसे पहले हमारे पास ये सारे वैल्यूज है नॉर्मल क्वेश्चन है टैक्स इज नॉट गिवन डेप्रीसिएशन इज नॉट गिवन कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा ठीक है चलो तो अभी सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्रैप का भी वैल्यू दिया है द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्क्रैप वैल्यू मशीन बीटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो मशीन बीटा

यहाँ पे दिया है देखो क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है मशीन बीटा का वैल्यूज अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सेवेंटी फाइव नाइन्टी वन ट्वेंटी सेवन वन ये सभी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिए ये सभी वैल्यूज कॉपी करने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है सेवेंटी थाउजेंड के साथ मैंने थ्री थाउजेंड प्लस किया है वॉट इज दिस थ्री थाउजेंड दिस इज नथिंग बट द स्क्रैप तो जब आप अल्फा का सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा का स्क्रैप भी इसमें प्लस कर देना दैट विल बी एट थाउजेंड और जो अल्फा के वैल्यूज है वो आपको लिखना है फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर ये डिस्काउंटिंग फैक्टर कहाँ से लाए ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको यहां पे दिए हुए हैं यही सब डिस्काउंटिंग फैक्टर मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिए अब आपको करना क्या है देखो कैश इनफ्लोस को डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है एवरी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर हर एक वैल्यू को आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करते जाना है फिर आपको जो वैल्यू मिलेगा वो आपको इस कॉलम में लिखना है उस कॉलम का नाम है प्रेजेंट वैल्यूज ठीक है तो इसका नाम क्या है प्रेजेंट वैल्यूज मल्टीप्लाई करते जाना है और लास्ट में सेवेंटी थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाई करना है प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा देन आपको करना क्या है जितने भी आपके प्रेजेंट वैल्यूज किए हैं उसका टोटल कर देना है दैट इज फाइव लैक फोर्टी थाउजेंड जीरो टू वन ये आपका टोटल है फिर मैंने क्यूमलेटिव कैश इनफ्लो किया है आपको पता ही है क्यूमलेटिव कैश इनफ्लो हम कैसे करते हैं तो कैसे करते हैं क्यूमलेटिव कैश इनफ्लो देखो ये सेवेंटी फाइव थाउजेंड का सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेम लिखा फिर सेवेंटी फाइव प्लस नाइन्टी सेवन वन लाख सेवेंटी टू फिर वन लाख सेवेंटी टू प्लस वन लाख ट्वेंटी सेवन टू लाख ट्वेंटी नाइन फिर टू लैख ट्वेंटी नाइन प्लस वन लाख फोर्टी एट दैट इज फोर फोर्टी सेवन आगे का क्यों नहीं किया क्योंकि लिए मशीन बीटा का कॉस्ट है थ्री थर्टी थ्री थाउजेंड ठीक है तो थ्री थर्टी थ्री थाउजेंड के ऊपर की अमाउंट आ गई मुझे यहाँ पे इसलिए मैंने प्लस नहीं किया क्यूमलेटिव कैश इनफ्लो कैसे मिलता है सेवेंटी फाइव थाउजेंड का सेवेंटी फाइव थाउजेंड एज इट इज़ लिखा फिर सेवेंटी फाइव में नाइन्टी सेवन प्लस किया ये मिला फिर वन लैख सेवेंटी टू में वन लैख ट्वेंटी सेवन प्लस किया टू लैख नाइन्टी नाइन आया ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया ठीक है अभी हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने आपके लिए सॉल्व नहीं किया है हम साथ में ये सॉल्व कर लेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो शॉर्ट फॉर्म क्या है पी वी ऑफ इनफ्लो दैट इज प्रजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो बहुत ही सिंपल देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मतलब ये जो प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम का जो टोटल हमने करके रखा है दैट इज़ फाइव लैक्स फोर्टी थाउजेंड ट्वेंटी वन ठीक है क्या है टोटल फाइव लैक्स फोर्टी थाउजेंड ट्वेंटी वन तो प्रजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है हमारा फाइव लैक्स फोर्टी थाउजेंड ट्वेंटी वन और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या रहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो हमारे मशीन का कॉस्ट मशीन का कॉस्ट कितना है देखो थ्री लैख थर्टी थ्री थाउजेंड है तो हमारे मशीन का कॉस्ट है थ्री लैख थर्टी थ्री थाउजेंड आपको सिर्फ माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो आंसर आ जाएगा टू लैख सेवन थाउजेंड ट्वेंटी वन दिस इज योर आंसर टू लैक्स सेवन थाउजेंड ट्वेंटी सिंपल टू कैलकुलेट ओनली द फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट तो ये था मशीन बीटा का ऐसे ही आपको मशीन अल्फा का भी करना है और एक कैलकुलेशन हम सीखेंगे पे बैक पीरियड का जो मैंने ऑलरेडी आपको करवाया है फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे क्या है फॉर्मूला कंप्लीटेड ईयर्स थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला होता है प्लस फ्रैक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कम्प्लीटेड ईयर्स प्लस ट्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल इनफ्लो ऑफ कम्प्लीटेड ईयर तो बहुत ही सिंपल है अब इसके लिए हमको ये चार्ट देखना पड़ेगा देखो मशीन की कॉस्ट कितनी है मशीन की कॉस्ट है थ्री लैख थर्टी थ्री थाउजेंड तो ये ध्यान से समझना बिकॉज इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है तो थ्री लैख थर्टी थ्री थाउजेंड हमारे मशीन की कॉस्ट तो ये वैल्यू हमें देखना है लास्ट का कॉलम पहले देखना है सेवेंटी फाइव थाउजेंड थ्री लैख थर्टी थ्री से कम है ओके वन लैख सेवेंटी टू थ्री लैख थर्टी थ्री से कम है ठीक है हमें ये देखना है कि थ्री लैख थर्टी थ्री के ऊपर कौन से ईयर में जा रहा है तो यहाँ पे नहीं जा रहा है यहाँ पे नहीं जा रहा है यहाँ पे नहीं जा रहा है यहाँ पे जा रहा है कौन से ईयर में जा रहा है फोर्थ ईयर में जा रहा है तो मैंने आपको बताया था कि जिस ईयर में ऊपर जाएगा उसके पहले वाला ईयर हमें लेना है तो हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे कंप्लीटेड ईयर थ्री तो जो ईयर में जाएगा उसके पहले वाला ईयर हमें यहाँ पे लेना है फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होगा देखो तो फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होगा आपका थर्ड ईयर का इधर वैल्यू देखो थर्ड ईयर का वैल्यू कितना है टू लैक्स नाइनटी नाइन थाउजेंड तो फ्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगा मशीन की कॉस्ट कितनी है थ्री लैख थर्टी थ्री थाउजेंड माइनस ये जो थ्री ईयरस है थ्री ईयर का टोटल कितना है तो वो हमने ऑलरेडी करके रखा है दैट इज टू लैख नाइन्टी नाइन थाउजेंड और यहाँ पे थ्री इयर्स का ही वैल्यू लिखना है तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखनी है यहाँ पे फोर्थ ईयर की वैल्यू लिखनी है अभी फोर्थ ईयर की वैल्यू एनुअल इनफ्लो ऑफ कंप्लीटेड ईयर वहाँ से मत लिखो देखो फोर्थ ईयर की वैल्यू यहाँ से लिखनी है कितनी है ये फोर्थ ईयर की वैल्यू वन लैख फोर्टी एट थाउजेंड तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वन लैख फोर्टी एट थाउजेंड तो अभी आपको ये कैलकुलेट करना है ध्यान से कैलकुलेट करो सबसे पहले हम क्या करेंगे थ्री लैख थर्टी थ्री थाउजेंड में से टू लैख नाइन थाउजेंड को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे लिखता अभी थर्टी फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन लैख फोर्टी एट थाउजेंड विल बी ये थ्री प्लस करना है उसमें थ्री प्लस जीरो पॉइंट ट्वेंटी थ्री तो थ्री प्लस 0.23 पॉइंट ट्वेंटी दैट विल बी 3.23 इयर्स सो दिस इज दे बैक पीरियड कैलकुलेशन वी हैव डन आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर टू एवरीवन वन को ध्यान से सोल्व करके रखे अपने बुक्स में भी सॉल्व करके रखे और ये हमने कौन से मशीन का सोल्व किया है ये हमने मशीन बीटा का सॉल्व किया तो so, मशीन बीटा का हमने अभी सॉल्व कर लिया है आपको सिमिलर वे में मशीन अल्फा का सॉल्व करना है मैंने मशीन अल्फा का आपको इसीलिए सॉल्व करने दिया कि आपको भी पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है हमें एंड दैट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव सॉल्व द नेट प्रेजेंट वैल्यू एज वेल एज वी हैव ऑल्सो कम्पलीटेड द पे बैक पीरियड मैथड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बाय बाय टेक केयर